नमस्कार साथी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वक्त मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब, एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब की वेबसाइट पर हूँ साथियों। तो आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले, एक महीने पहले की बात है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ DPE मास्टर कैडर लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन 2016 कुछ लोगों की स्क्रूटनी हुई थी इसमें, और साइंस मास्टर कैडर की 3582 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें कुछ वैकेंसीज हैं, और सितंबर 2017 में जो वैकेंसीज आई थी और इसमें भी स्क्रूटनी 13 से 14 लोगों की हुई थी साइंस मास्टर कैडर में। और साथ ही बता दें कि 3704 मास्टर कैडर, इसकी तो एक एक महीने के गैप से लिस्टें आ ही रही हैं, तो इसके भी कुछ पोस्ट खाली हैं। तो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है साथियों, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कब तक आ सकती हैं इनकी सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है साथियों, जिनकी स्क्रूटनी हुई है, जैसे कि इसमें 5 बंदों की स्क्रूटनी हुई DPE के लिए, और जहां पर 13 से 14 लोगों की, तो साथियों स्क्रूटनी जैसे कि हम बोलें 5, तो 2 सीट वहां पर वैकेंट होंगी। ठीक है, और जहां पर 13 से 14, तो समझ लीजिए कि जहां पर 5 से 6 वैकेंसी वैकेंट हैं साइंस मास्टर कैडर में। ठीक है, 3582 टीचर रिक्रूटमेंट में बात कर रहा हूँ। ओके, तो 3704 पोस्ट, जहाँ पर 3704 पोस्ट जो मास्टर कैडर के 2020 में वैकेंसी आई, तो जहाँ पर भी कुछ वैकेंसीज अलग अलग विषयों की खाली हैं, ठीक है, वैकेंट हैं, और वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वो ज़रूर उनका नाम आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कब तक लिस्ट आने की संभावना है साथियों। तो माना यही जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई के शुरुआत में या मध्य में ज़रूर सिलेक्शन लिस्ट आने की संभावना है। ओके, तो बोर्ड इस वक्त बहुत बिजी है, मैथ साइंस और इंग्लिश विषयों के जो रिज़ल्ट है उसको बनाने में बिजी हो जाएगा। आफ्टर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, अभी आंसर की आ चुकी है उनके मास्टर कैडर की, तो रिज़ल्ट फिर उसके बाद स्क्रूटनी, तो बहुत ज़्यादा बिजी है बोर्ड, बहुत ज़्यादा बिजी है। तो देखते हैं क्या हो पाता है, आशा यही कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट आए जिनका नाम देते हैं। धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए।